हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई स्ट्रीम लाइव ब्लॉग। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लोकोमोटिव का जो व्हील होता है ना, उसके बारे में हम जानेंगे कि लोकोमोटिव व्हील का क्या इंपॉर्टेंस रोल है। आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हील के किस पार्ट को क्या कहा जाता है, जैसे ICF, LHP और जो गुड्स ट्रेन में। तो आप अभी जो सामने पिक्चर देख रहे होंगे ना, इसमें आप देख रहे होंगे रेलवे का जो व्हील होता है, मतलब लोकोमोटिव इंजन के अंदर जो नीचे व्हील होता है, उसको पार्ट वाइज पार्ट क्या हम कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे फिगर में कि ट्रेड है, मतलब जो पहिया है उसके निचले सतह को, जो ऊपर से थोड़ा सा उठा हुआ होता है उसको फ्लेंज कहते हैं। फिर व्हील के ही इनर साइड में हम लोग उसको बोलते हैं इनर हब, जो बाहर निकला होता है उसको बोलते हैं जन्ना, और दो जो एक रॉड जो दोनों व्हील को बीच में जोड़े रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सल। ठीक है, तो ये जो लोकोमोटिव का व्हील है ना, ये इसके पार्ट्स का नाम है कि किसको हम क्या क्या कहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आपको भी पता है कि बिना व्हील के जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब अगर आपको कोई ट्रैवल कर रहे हैं, उस ट्रैवल को इजी करने का एक माध्यम होता है व्हील, जिसमें हम कोई फोर्स अप्लाई करके, अगर हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो हम लोग पीछे से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, वो व्हील फिर उस डायरेक्शन में जाता है। चीज है इसमें, तो मेरा जो इस वीडियो का मेन मकसद था बस यही था कि इंजन के अंदर जो लोकोमोटिव के अंदर जो व्हील होता है उसको दिखाने का। फिर ये व्हील अलग अलग LHB या ICF या फिर कुछ ट्रेन में कितने कितने डायमेंशन, कितने कितने mm पे होता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंसेस क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे आगे। सामने जो फोटो आया हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है व्हील गेज। व्हील गेज का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, ब्रॉड गेज, मीटर गेज। गेज का नॉर्मली मतलब ये होता है कि दो, अगर सपोज कीजिए कि अगर आपको व्हील कहा जाए, व्हील गेज, इसका मतलब ये है कि दो व्हील के बीच का डिफरेंस। पिछले वीडियो में हम बोले थे ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज का मतलब होता है कि दो रेल के बीच का डिफरेंस, वैसे ही ये व्हील गेज है। तो व्हील गेज का मतलब कि ये दो जो व्हील है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसलिए तो व्हील गेज का अगर हम लोग डेफिनेशन अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें, तो व्हील गेज हम लोग उसी को बोलते हैं, दो व्हील के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम लोग व्हील गेज बोलते हैं। व्हील गेज के बीच का जो डिफरेंस है ये होता कितना है, तो लगभग ये जो है 1600 में या तो ये +2 हो जाएगा या फिर -1 हो जाएगा। मतलब ये कि 1602 से लेके 1599 तक, ये इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस का mm है। अगर इससे ज्यादा या कम हुआ तो फिर ट्रेन की पटरी, फिर क्या होगा कि इंजन आपके ऊपर और हम इंजन के ऊपर, तो इससे क्या होगा कि ना आपका कुछ बचेगा ना मेरा कुछ जाएगा। इंजन कहेगा भैया आपका तो सारा चीज हम ले ही लेंगे, लेकिन मेरा कुछ आप ले नहीं पाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो व्हील गेज का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत मायने रखता है, इससे कम और इससे ज्यादा नहीं हो सकता, वरना फिर एक्सीडेंट हो जाए। और इसके नीचे आप एक लंबा सा रड की तरह देख रहे होंगे नीचे, इसको व्हील गेज मापने का, मेजरमेंट करने का एक ये टेक्निकल इक्विपमेंट है। ऐसे व्हील गेज को हम लोग मापते कैसे हैं, तो ये जो इक्विपमेंट है इसको तीन तरीके से मापते हैं। एक टॉप में लेंगे, अगर ये 1599 से 1602 के बीच में रहा तो ठीक है, फिर एक नीचे लेंगे और फिर एक मिडिल में लेते हैं, मतलब थ्री वे में लेते हैं। तीनों का मेजरमेंट अगर सेम होता है तो इसका मतलब कि आपका रीडिंग जो है वो सही है, अदरवाइज फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, रिपेयरिंग करें इसको, फिर चेंज कर देंगे और फिर जो भी व्हील होगा उसको फिर यहाँ पे इन दोनों का जो मेजरमेंट रीडिंग सही होगा उसको फिर हम लगाएं। अब आते हैं हम लोग व्हील बेस पे। व्हील बेस कहते किसे हैं, तो नॉर्मली एक आसान भाषा में हम लोग समझते हैं कि एक कोच के एक बोगी या ट्रॉली में लगे हुए दो चक्कों के एक्सल के बीच की दूरी को व्हील बेस कहते हैं। मतलब आप देख रहे होंगे दो चक्के के बीच में स्प्रिंग वगैरह लगा हुआ होता है, तो उन दोनों के बीच, दो व्हील के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम लोग व्हील बेस कहते हैं। फिगर में आप देखें, आपको एकदम क्लियर पता चल जाए कि व्हील बेस हम लोग किसे कहते हैं, इसीलिए इस फिगर में मैंने वैसा कर दिया है। तो फिर से मैं बोलता हूं कि एक कोच के एक बोगी या ट्रॉली में लगे हुए दो चक्कों के एक्सल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, व्हील बेस कहते हैं। तो ये जो व्हील बेस होते हैं ये अलग अलग कोचेस में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे ICF हो गया, LHP हो गया या गुड्स
हो गया। इन तीनों में जो विल बेस होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ICF का जो विल बेस होता है वो लगभग 2896 mm का होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है विल बेस का, ICF कोच इसमें 2896 mm का विल बेस का डिफरेंस होता है। वैसे ही फ्लैट बोगी का विल बेस, फ्लैट बोगी का मतलब जो LHB, मतलब अभी आप जो रेडिएट कलर का जो कोचेज वगैरह देखते होंगे जो नया नया अभी बोगी बोगी आता है, तो उसका जो विल बेस का जो मेजरमेंट होता है लगभग 25 to 560 mm का होता है, न इससे कम न इससे ज्यादा। अगर इससे कम या ज्यादा हो तो उसे टॉलरेंस मतलब उसको हटा दिया जाएगा। अब आते हैं कैसना बोगी। कैसना बोगी बोलते हैं जो गुड्स ट्रेन वगैरह होती है। गुड्स ट्रेन के बोगी में जो उनका जो व्हील बेस होता है वो लगभग 2000 में कुछ प्लस हो सकता है कुछ माइनस हो सकता है, मतलब कि 1995 या फिर 2005 mm का उन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो ये थी मेरी थोड़ी बहुत जानकारी जी, लगभग वही है जैसे समुद्र से एक बूंद के बराबर भी ये इस जानकारी को हम लोग नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं कि विल में डिफेक्ट कब होता है कैसे हम जानेंगे कि विल में डिफेक्ट है क्यों, कैसे उसको निकालेंगे, ये सारा बहुत सारा चीज क्या है वो टेक्निकल इश्यूज है जो कि हम लोग एक ही वीडियो में नहीं बता सकते हैं। नॉर्मली ये बेसिक नॉलेज था कि कैसे हम लोग, क्योंकि बहुत लोगों का जानना होता है कि क्योंकि ट्रेन से लोगों को इतना जानने का क्यूरियोसिटी है ना कि ट्रेन क्या होता है क्या नहीं होता, उसके व्हील कैसे होते हैं, उसके ट्रांसफार्मर कैसे होते हैं, उसके बी कैसे होते हैं, उसके कंप्रेसर कैसे होते हैं, उसके डीजे कैसे होते हैं, ये सारा बहुत सारा, बस उसी चीज का एक क्यूरियोसिटी को थोड़ा बहुत कम करने के लिए ना ये मेरा वीडियो है व्हील से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग शायद बताएं व्हील डिफेक्ट्स के बारे में, कैसे व्हील डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।